हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ हरे प्याज की, जो कि बहुत ही सुंदर नाश्ता बनके तैयार होगा। जिसके लिए आधी कटोरी मैंने आटा लिया है, 2 बड़े चम्मच बोल सकते हैं। इसमें हमने बेसन डाला है और यहीं पर हम थोड़ा सा और इसमें हम डालेंगे सूजी। और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जो हमने प्याज को चॉप किया था। हमें इसको बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है। और वहीं पे जो स्प्रिंग अनियन है उसको अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। यहीं पे हमें डालना है जीरा, अजवाइन, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी, यहाँ पे आप दही भी डाल सकते हैं इसकी जगह, बट मैंने पानी का यूज़ किया है। ये देखिए सूजी डाल रही हूँ यहाँ पे, इनको सबको एक साथ बैलेंस करने के लिए। इस तरीके से हमारा जो ये बैटर है तैयार हो गया। यहीं पे भूरा भुना हुआ जीरा और अजवाइन डाल दिया है। यहाँ पे हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने धनिया, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। इस तरीके से आप इन सबको डाल के एक साथ मिक्स कर लें और थोड़ी देर रेस्ट पे इसको रख दीजिए। 10 से 15 मिनट आप इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए। इसके बाद इसके मस्त सा नाश्ता तैयार होगा। आप खुश हो जाएंगे। एक बार इस तरीके से हरे प्याज को बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल बैटर बिल्कुल रेडी है। और यहीं पे तवा चढ़ाया हुआ था, उसमें थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर दिया है सरसों का। आप रिफाइंड घी जैसा भी आप खाना चाहे तेल वो यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर बैटर को इस तरीके से डालेंगे और चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। और इसको हमने अलग पलट के सेक लेना है अच्छे से। और यकीन मानिए ये इतना हेल्दी नाश्ता है ना, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही झटपट बनने वाला। जब आपको लगे कि लेट हो रही है तो आप इस तरीके से इसका नाश्ता ऐसे बना सकते हैं। और ये देखिए एक तरफ पीछे से सिक चुका है, तो इसको पलट रही हूँ। और यहीं पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे चारों तरफ से कि वो आगे पीछे अच्छे से सिक जाए। और इसको हम मीडियम फ्लेम में सेकेंगे, हाई में सेकेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। आपको ये मीडियम फ्लेम में अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए सिक चुका है पूरा अच्छी तरीके से। मैं इस तरीके से दबा रही हूँ कि कहीं से कच्चा होगा तो वो अच्छे से सिक जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर रेसिपी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए किस तरीके से हमारा ये सिक रहा है अच्छे से। आप इसको सिर्फ बेसन के साथ भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा सूजी, तीनों का यूज़ किया है। और पानी की जगह आप दही डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। बट अभी मेरे को दही नहीं लगा कि मैं डालूं, तो मैंने पानी डाला है, क्योंकि वो थोड़ी सी दही थी, वो डाल के कोई फ़ायदा भी नहीं होता, इसलिए बस ये आगे पीछे से इस तरीके से सिक चुका है हमारा, कहीं से कच्चा नहीं है, अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम निकाल के हम अपना दूसरा इस तरीके से दूसरा भी हम सेक लेंगे। इसको हम फैला लेंगे इस तरीके से और तेल के साथ हम इसको आगे पीछे अच्छे से सेक लेंगे। आप पलटेंगे तभी जब पीछे से अच्छा सा सिक जाए। अगर आप पहले ही पलट देंगे तो ये गीला है, चिपक जाएगा, अच्छे से नहीं बन पाएगा, फिर टूट जाएगा। इस तरीके से बना के देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों।